बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद लाइबा के साथ मैं हूँ फौजिया, और आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें दूध चाहिए 1.5 किलो, और 10 से 12 ब्रेड के स्लाइसेस, बादाम और पिस्ते हसब ज़रूरत, चीनी हमें चाहिए 1 कप, 8 से 10 इलायची का पाउडर और 2 इलायची हमने साबुत ले ली, जर्दे का रंग हमें चाहिए, घी हमें चाहिए 1/2 कप, और 1/2 कप ही हमें खोया चाहिए। सबसे पहले हम दूध को एक पैन में डाल देते हैं, और दूध ज़रा हमारा गर्म हो उबाल आने तक। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तो उस टाइम तक हम ये अपने ब्रेड के जो स्लाइसेस है इन्हें कट कर लें। आप चाहे ये इस तरह से हम इसको ट्राइंगल शेप में काट लेंगे, और थोड़े से फिर हम और इस तरह से, तो हम इस पीस में हमने एक्चुअली इसको काटना है। देखिए हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो रहा है, तो हम इसमें ये अपनी जो हमने 1 कप चीनी थी ये डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें ये इलायची पाउडर, और हम इसमें ये जर्दे का रंग डालते हैं। देखते हैं कि हमें इसमें कितना कलर चाहिए इस तरह। ये हमारा दूध देखिए इस तरह बॉयल हो चुका है, और काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया। अब हम इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा खोया अभी ऐड करेंगे, और कुछ हम मॉर्निंग बाद में इस पर ऐड करते हैं। अब हम एक पैन रख लेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा इस तरह ऑयल डाल देंगे, ताकि ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो, तो हम अपनी ये ब्रेड को फ्राई करेंगे इसके पीसेस को। ये हमारा जो इसका हमने सिरप बनाया था दूध वगैरह का मिक्सचर, ये हमारा बिल्कुल अब रेडी है। अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसी तरह अब इसके ऊपर भी हम ये हमारे ऑयल गर्म हो गया। अब हम इस पर ये अपने सारे स्लाइसेस रख देंगे, और इन्हें देखिए इस तरह हमारी ये फ्राई हो गई है। अब हम इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह हमने अपने सारी ब्रेड को फ्राई कर लेना है। अब हमने देखिए इस तरह डिश में अपने ये ब्रेड के जो स्लाइसेस थे इन्हें हमने सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर से इस तरह करके सारा दूध इन पर कवर अप कर देंगे बहुत ही अच्छे से। साथ ही जो थोड़ा सा हमने खोया रुका था वो डालते हैं ऐसे इसके ऊपर, और ये पिस्ते डाल देते हैं, बादाम और पिस्ते इस तरह से, और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से किस्म के शाही टुकड़े तैयार हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इन्जॉय कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिश के साथ हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।